बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? आज जो है अपना लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। चैप्टर जो था वो आपका चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू था, तो चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 5 क्या पढ़ने वाले हैं आज, आइए देखते हैं। आज जो हमारे टॉपिक्स हैं वो मैंने बोर्ड पर राइट कर दिए हैं। फर्स्ट टॉपिक मैंने राइट किया हाउ लीव्स आर सूटेड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड अनदर टॉपिक इज रिस्पिरेशन इन ग्रीन प्लांट्स। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाउ लीव्स आर सूटेड फॉर फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब है कि प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से जो है वो डिपेंड करता है, मतलब वो किस हद तक जो है डिपेंडेंट है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, या स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर है, जैसा कि आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से उनके स्ट्रक्चर पर, यानी कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके लीव्स जो हैं वो मोटे होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके लीव्स पतले होते हैं, स्ट्रक्चर फर्क होता है स्ट्रक्चर का। तो इस बेस पर भी फोटोसिंथेसिस जो है वो प्रोसीड होती है। जैसे अगर ऐसे प्लांट्स जिनके लीव्स हैं वो ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं, तो उन पर जो है वो ज़्यादा प्लेंटी ऑफ लाइट को एब्जॉर्व कर सकता है, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए और इसके अलावा लाइट भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए। तो अगर लीफ का जो रकबा है या जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा चौड़ा है, ज़्यादा ब्रॉड है, तो वो ज़्यादा अमाउंट में जो है वो लाइट को एब्जॉर्व कर सकता है। इसके अलावा अगर लीव जो है वो पतले हैं यानी मोटे नहीं है, तो क्या होता है कि सेल जो होता है लीफ के अंदर जो सेल मौजूद होते हैं वो जल्दी जो है वो सनलाइट को भी एब्जॉर्व करते हैं, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्व कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा ट्रांसपायरेशन का भी जो प्रोसेस है वो भी ईजिली होता है जब अगर लीफ का जो लीफ जो है वो पतले हो, ज़्यादा थिक ना हो, ठीक है। तो थिन जो लीव्स होंगे उनमें जो है ये सारा प्रोसेस जो है हो सकता है ईजिली, कि लाइट जो है वो रैपिड एब्जॉर्व करेगा सेल ऐसे लीव्स का। इसके अलावा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जल्दी जो है वो रीच हो जाएगी कहाँ तक, लीव्स के इंटरनल सेल्स तक। इसके अलावा जो है ऐसे लीव जो ज़्यादा चौड़े होते हैं जिनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो उसमें नंबर्स ऑफ स्टोमेटास भी ज़्यादा होते हैं, तो नंबर्स ऑफ स्टोमेटास जो है वो हेल्प करते हैं, स्टोमेटास होते हैं वो टाइनी होल्स होते हैं जो कि लीफ में मौजूद होते हैं लोअर साइड ऑफ दी लीव्स, यानी लीव्स की निचली सतहों पर जो है वो मौजूद होते हैं, वैसे ऊपर भी होते हैं लेकिन ज़्यादा तादाद में जो है वो लोअर सरफेस पर होते हैं। तो ऐसे लीव्स या ऐसे पत्ते जो ज़्यादा जिनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, जो चौड़े होते हैं, तो वो ज़्यादा जो है वो स्टोमेटास में मौजूद होते हैं, तो ऐसे लीव्स में जो है गैसेस एक्सचेंज भी बहुत प्रॉपरली हो रही होती है, लाइट एब्जॉर्प्शन भी जो है वो प्रॉपरली हो रही होती है, इसके अलावा जो ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस होता है वो भी बहुत अच्छे तरीके से प्रोसीड हो रहा होता है, मतलब नंबर स्टोमेटास ज़्यादा होंगे तो उतने ही अच्छे तरीके से जो है सारे प्रोसेस भी हो सकेंगे, ठीक है। तो ये है आपका द लीव्स आर सूटेड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी लीफ का जो स्ट्रक्चर है वो कितना सूट करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिस्पिरेशन इन ग्रीन प्लांट्स। रिस्पिरेशन का प्रोसेस ग्रीन प्लांट्स में, यानी जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें रिस्पिरेशन या सांस लेने का प्रॉब्लम है। आपको पता है कि जैसे हम सांस लेते हैं, हमारे अलावा जो एनिमल्स हैं वो भी ब्रीदिंग करते हैं, उनमें भी सांस लेने का प्रॉब्लम है, इस तरीके से प्लांट्स के अंदर भी जो है रिस्पिरेशन का प्रोसेस मौजूद होता है। रिस्पिरेशन बेसिकली इसकी जो साइंटिफिक टर्म्स हैं वो यानी कि एक प्रॉपर जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी होती है वो क्या होती है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बॉडी में जो केमिकल कंपाउंड सब्सटेंस होते हैं वो ब्रेकअप, उनके ब्रेकअप होने से जिसमें एनर्जी प्रोवाइड हो, एनर्जी मिले, उसे कहते हैं हम रिस्पिरेशन। जस्ट लाइक ऑक्सीजन जो है, जैसे हम जब हम ब्रीदिंग का प्रोसेस करते हैं तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन हमारे अपने नाक के जरिए हवा एंटर होती है हमारे नाक के जरिए, वो फेफड़ों तक पहुंचती है, जबकि इसका पॉजिटिव जो है वो होता है प्लांट्स में। प्लांट्स जो है स्टोमेटास के जरिए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं इनसाइड द प्लांट उसको ब्रेकअप करती है, जिसकी वजह से उन्हें एनर्जी मिलती है प्लांट्स। उस तरीके से हमारे जिस्म में भी होता है कि जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो लंग्स में जाके जहाँ पर केमिकल सब्सटेंसेस मौजूद हैं उनको ब्रेकअप करती है, और उससे एक नया कोई प्रोडक्ट बनता है, और उसके बाद एनर्जी जो है वहाँ पर बनती है।